guys, what's up everybody, your friend Mrs. and I'm back with another video. So guys, जैसे कि अपना पिछला वीडियो था इसको डुगाटी स्क्रैम्बलर को लेके, जिसके अंदर आपने पूछा था कि आपको कौन सी बाइक देखनी है, जो मैंने हल्का सा क्लिप दिखाया था नई नई बाइक्स का, उसके अंदर काफ़ी सारी बाइक्स थी जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं. और ये बाइक को मतलब आपको ये बाइक अच्छी लगे ना लगे, बट इसको देख के इट इज़ अ वेरी वन ऑफ अ काइंड कह सकते हो. एक हार्ली डेविडसन मेरे पास आई है एंड बाइक हार्ली डेविडसन की कौन सी है वो आपको अभी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा गाइस. तो ये जो बाइक है काफ़ी कस्टमाइज्ड है, काफ़ी अच्छा सामान लगा हुआ है एंड सो वेरी गुड लुकिंग बाइक. अभी पीछे खड़ी है सामने. सो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो गाइस एंड थैंक यू सो मच. आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मैं हर वीडियो में आपका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप इतना प्यार देते हो, इतनी इज्जत देते हो. थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. आपके लिए ही मेहनत करते हैं, आपके लिए ये मेरे पास आता है बेचारा, पूरा पूरा दिन खड़ा रहता है, मेरी वेट करता रहता है कि कब मैं फ्री हूँ. एंड सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये सारा कंटेंट हम क्रिएट करते हैं. थैंक यू सो मच दोस्तों. ये बाइक कौन सी है बताना ज़रूर आवाज़ सुन के. ये वो बाइक है जो दिखाने वाले हैं. Exactly. स्टार्टिंग में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पीछे खड़ी है ट्रैम की बॉनविल, ये आपको देखनी है, देखनी इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. बिल्कुल. आपको देखनी है तो हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे. अकेले सिनेमैटिक एंजॉय करो, फिर बाइक के बारे में आगे गाइज़. आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आए होंगे. जो बाइक है दैट इज नन अदर देन योर हार्ली डेविडसन आयरन 883 सीसीज ऑफ, कह सकते हो मज़ेदार बाइक है, बहुत प्रैक्टिकल बाइक है ये, मतलब मज़ेदार है मैं कह सकता हूँ. इंडियन कंडीशंस के हिसाब से गर्म होती है, इसके अंदर कुछ भी कूलिंग सिस्टम्स नहीं है, बट दैट मेक श्योर्स कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा कम हो जाए. रही बात बाइक की, आप एक बारी बाइक की लुक्स देखिए. I'll keep the suspense. आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये जो है इज़ इट अ पेंट जॉब और अ रैप जॉब, ये आप कमेंट्स में बताइए. एक बारी क्लोजली ध्यान से सिनेमैटिक देख लो फिर से, ये पेंट जॉब है या ये रैप है या ये क्या है. दिस थिंग विल बी अ सस्पेंस. जो व्यूवर कमेंट करेगा उसका जो नाम है वो अर्जुन नेक्स्ट वीडियो में लेगा, जो भी राइट गेस करेगा. So make sure you give your precious comments on this video. Is it a wrap job? Is it a paint job? और ये plastic dip है या क्या है? So do pour in your precious comments. अब आते हैं bike के ऊपर. आगे से शुरुआत करेंगे तो इसके अंदर लगे पहले Sportster V-twin, जैसा आप देख रहे हो. These are your tire stickers. Indeed it's a Sportster category की है ये. Harley Davidson Sportster कहते हैं इसको. V-twin engine है इसका. V-twin means ये जो आप engine specs आप देख रहे हो, this is a V shape. अगर इसको आप दूर से देखोगे, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये दोनों वी शेप में है. फिल्टर कॉमन फॉर बोथ द इंजन्स. अगर बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या है, ये जो दो पाइप्स आप देख रहे हो ये एग्जॉस्ट वाल्व्स हैं, जहाँ से बाहर निकलती है हवा, एग्जॉस्ट वाल्व. सो दिस इज द वी ट्विन इंजन. हार्ली डेविडसन सारी वी ट्विन्स आती हैं. एंड रही बात बाइक की, आगे से लेके पीछे तक ऑल दीज देख रहे हो जो आप, इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डन पेंट जॉब और रैप जॉब जो आप कहना चाहो. आगे इसके अंदर एलईडी डे मेकर हेडलाइट लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ. और जो मेन चीज़ है इस बाइक का ट्रैक्शन है इसका नंबर. दिस इज दिल्ली रजिस्टर्ड सिंगल ओनर बाइक, नंबर है 100.
नंबर भी वीआईपी है, पेड नंबर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। एंड रही बात एक्सेसरीज की, इस बाइक के अंदर आप देख रहे हो पहले लगा हुआ है, दिस इज द फ्लैट हेड हैंडल बार, ये हैंडल बार चेंज हुआ हुआ है अनलाइक द अदर कस्टम्स जो हार्ली डेविडसन होती हैं आयरन के अंदर। ये जो टैंक है ये टैंक भी रेज्ड है, दिस इज द रेस्ड टैंक, ये रेज्ड माउंट्स लगे होते हैं यहाँ पे, दीज आर द रेज्ड माउंट्स, थोड़ा सा टैंक इसका रेज है। उसके अलावा ये जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हो, दीज आर बाय वैंस एंड नाइन्स, ये वैंस एंड नाइन्स के एग्जॉस्ट सिस्टम्स हैं। आगे एक कस्टम लेग गार्ड लगा हुआ है विच इज़ वेरी यूनिक, अब तक ये पहली आयरन है जिसमें मैंने ऐसा लेग गार्ड देखा है। मोर ओवर पीछे आओगे तो अगेन ऑल दोज ग्लिटर्स, वो ऐसा लग रहा है किसी ने अपना प्रोजेक्ट बना रखा है, इतना ग्लिटर लग रहा है इसमें। इट्स वेरी नाइसली डन बाइक, काफ़ी अच्छी लगती है। मोर ओवर ये अगेन इसके इंडिकेटर्स देख सकते हो विद द टेल लाइट इंटीग्रेशन, इसके अंदर साथ में ही आते हैं। पीछे देखेंगे तो साइड माउंट नंबर प्लेट लगा हुआ है इसमें भी, द साइड माउंट नंबर प्लेट ऑल्सो इज वेरी यूनिक, लुक्स वेरी डिफरेंट, मज़ेदार है। कमिंग ऑन दिस साइड ऑफ द बाइक, इधर अगेन आपको सेम स्टॉक चीज़ें मिलेंगी बट नथिंग एज सच, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है इसका हैंडल, अगर सीधा करोगे दोस्तों, इसका स्पीडोमीटर यहाँ नहीं है, इसका स्पीडोमीटर यहाँ नहीं, इसका स्पीडोमीटर लगा हुआ है, दिस इज़ योर साइड माउंट स्पीडो, साइड में देख सकते हो गाइस आप, दिस इज़ योर शॉको माउंटिंग स्पीडो कहते हैं। एक पूरी स्पीडोमीटर किट आती है जो आपकी सारी वायर्स से लेके सब कुछ, जो भी आपके स्पीडो की वायर्स हैं, जो भी जितने भी मॉड्यूल्स इसे लगते हैं कनेक्ट होते हैं, वो सारी की सारी एक किट लगी हुई है फॉर योर साइड माउंट स्पीडोमीटर। सो गाइस ये साइड माउंट स्पीडोमीटर लगा हुआ है इसके अंदर विद एंटायर किट, आप इसकी माउंटिंग्स देख सकते हो, दिस इज़ ऑल ऑथेंटिक, पूरा स्पीडोमीटर की किट लगी हुई है। ये पूरा स्पीडोमीटर का जो आप फ्रेम देख रहे हो, दिस इज़ एंटायरली द साइड माउंट स्पीडो फ्रेम, ये कोई जुगाड़ नहीं है दोस्तों, ये एक ओरिजिनल माउंट है विच कम्स फ्रॉम हार्ली डेविडसन इटसेल्फ, इट्स एन एक्सपेंसिव, कह सकते हो चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव है बट लुक्स वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट, अभी तक किसी आयरन में शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट वन इन द लॉट एट सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स, बिल्कुल साइड माउंट नंबर प्लेट के साथ अगेन एलईडी हेडलाइट सही है, और ये फ्लैट माउंट जिसका हैंडल है साथ में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो मिरर्स हैं, दीज आर इन्वर्टेड मिरर्स, यूजुअली मिरर्स लगे होते हैं ऊपर से आ रहे होते हैं बट दीज आर इन्वर्टेड मिरर्स टू कॉम्प्लीमेंट द लुक्स ऑफ द बाइक। इसके अंदर जो सिटिंग पोस्चर रहता है वो आपका काफ़ी बॉबर स्टाइल का रहता है विद योर हैंडल बार्स एकदम स्ट्रेट रहते हैं आपके हाथ और आपके पैर भी है यूजुअली एक नॉर्मल बॉबर की तरह रखते हो, तो ये जो चीज़ है काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। एक बार इसका दूर से ओवरऑल लुक देखो एंड पोर इन योर लवली कमेंट्स कि आपको ये बाइक कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बता देना गाइस किसका जो भी है पेंट जॉब रैप जॉब कैसा लगा। एग्जैक्टली अब बात करते हैं बाइक के बारे में, बाइक जो है 28,000 किलोमीटर चली हुई है, आप देख सकते हो 28,000 किलोमीटर्स डन, डेली रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर है, 2015 की मैन्युफैक्चर्ड है और 2015 की रजिस्टर्ड है गाइस। एंड रही बात प्राइस की, पहले इसकी आवाज़ सुनते फिर आपको प्राइस बताऊंगा एंड में। एग्जैक्टली गाइस हेडफोन्स पहन लो, यस वैंस एंड नाइन्स की आवाज़ आपको, गाइज आई होप आपको ये बाइक पसंद आई होगी। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस बाइक का जो प्राइस है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसका जो प्राइस हमने रखा हुआ है द एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर दिस बाइक इज 5.5 लाख्स, 5.5 लाख रुपए की आपको दोस्तों ये बाइक मिल जाएगी जिसके अंदर एक्सेसरीज लगी हुई है,
लगभग नाना करते भी तो पौने दो लाख रुपए की, डेढ़ से पौने दो लाख रुपए की गाइस। 2015 मॉडल है, बाइक चली 28,000, ऑल जेन्युइन कंडीशन आप लोगों के सामने है, बाइक आप लोगों के सामने है। 5.5 lakhs इज द आस्किंग प्राइस, बाकी प्राइस नेगोशिएबल है। आप आइए बैठ के बात करते हैं, एंड आई विल गिव यू द बेस्ट डील पॉसिबल ऑन दिस बाइक। सो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो हार्ली डेविडसन आयरन 83 को लेके। और जो भी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि आप जरूर बताओ कि इसके बाद पेंट जॉब हो रखा है, रैप हो रखा है, क्या हो रखा है, आपको क्या लगता है इस पर क्या हो रखा है, वो जरूर बताना। बिल्कुल सही, ब्लू कलर की चमचमाती हुई बाइक खड़ी है, उसके बारे में मैंने आपको आगे वीडियो बताया, फिर भी आप बता दो कि यार कौन सी खड़ी है। एग्जैक्टली, वीडियो देखना तो भी जरूर बताओ। बिल्कुल गाइस, सो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस, जैसा मैं कहता हूँ हर बार की तरह, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे देना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स के भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लड़का बहुत मेहनत करता है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, काफ़ी टाइम अपने स्कूल का भी मैनेज करता है, फिर व्लॉगिंग का भी मैनेज करता है, बेचारा बहुत मेहनती है हमारा लड़का। सो बात नहीं है, सिर्फ व्लॉगिंग ही करता हूँ, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई भी करता हूँ। सो ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग आई, एंड थैंक यू सो मच, ऐसी सपोर्ट करते रहो। एंड रही बात मेरे ग्लेयर्स की, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं भैया अपने ग्लासेस चेंज कर लो, तो यार भाइयों वो नंबर वाले और थोड़े महंगे हैं यार, मैं इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ 3-4 glasses, बट दीज आर माई एक्चुअल ग्लासेस विच आई वेयर। वीडियो में अच्छा नहीं लगता हूँ, दिन में थोड़ी धूप भी रहती है, तो इट्स बेटर टू वेयर यू नो फ्लॉन्ट विद सम स्टाइल। वो भी नंबर वाले हैं, स्टाइल के लिए नहीं पहनता हूँ, नंबर वाले ग्लासेस हैं मेरे। बट थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही प्यार देते रहो, कमेंट्स देते रहो, जो शायद कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी बाइक्स कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसा प्राइस कहीं नहीं मिलेगा, सब कुछ जो भी अच्छी बाइक्स, नीट एंड क्लीन बाइक्स, क्लीन मतलब क्लीन इनसाइड आउट फ्रॉम पूरे स्टॉक की वीडियो देखनी है सर, ज़रूर बताओ। अपने पिछली वीडियो में बताया था, बट मैं फिर से अगर पूछ रहा हूँ कि क्योंकि हर बाइक का सिंगल वीडियो है, फिर भी अगर आपको देखना है सारा एक ही में, अगर आप सारा लॉट देखना चाहते हो कि पूरी कलेक्शन मेरे पास क्या है, तो नीचे अपने कमेंट्स कीजिए, आप जो कहेंगे, बिल्कुल जो आप कहोगे वही वीडियोस बनेंगी। एंड मोर ओवर, जो नाम चेंज की बात आई थी, सबने कमेंट करा कि नहीं भैया सरस्वती मोटर काफ़ी अच्छा नाम है, आप सुपर बाइक्स एम्पोरियम मत रखो, सो वी आर स्टिकिंग टू सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स ओनली। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इतने सजेशंस दिए, आपने अपना दिल खोल के मेरे आगे रखा है, तो थैंक यू सो मच। मैं बस प्यार बटोरने आता हूँ और कुछ नहीं, बाकी लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम किसी की बातें नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच। बाकी बाइक्स के बारे में नीचे मेरा इंस्टाग्राम होगा, यहाँ पे कहीं पे भी ये डाल देगा, वहाँ पे मेरे पर्सनली वहाँ पे पर्सनली जो भी मेरी बाइक्स वगैरह जो मैं चलाता रहता हूँ, मैं राइड करता हूँ संडे मॉर्निंग को, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर। बिल्कुल, अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, बाकी रॉकेट 3 है, अगर और क्रूजर बाइक देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट में बताओ, इसके साथ जरूर बताना इसके साथ, बिल्कुल सही। टिल देन, सी यू।